नमस्कार, मैं हूं अनुष्का। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार सरकार स्वरोजगार को बढ़ावा देने के कई अवसर दे रही है, क्योंकि आजकल के दौर में रोजगार पाना बहुत मुश्किल हो गया है। सरकारी नौकरी का सालों साल तक इंतजार करने से अच्छा कई लोग अपना खुद का रोजगार तैयार करना चाहते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि राज्य सरकार कई क्षेत्रों में अपना रोजगार स्थापित करने के लिए सब्सिडी भी देती है। ऐसे में इच्छुक व्यक्ति के ज्यादा रुपए भी खर्च नहीं होते हैं और उनका खुद का रोजगार भी तैयार हो जाता है। ऐसे में हम आपको आज एक ऐसी ही स्कीम बता रहे हैं, जिसके तहत मात्र 3,780 रुपए में आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इस स्कीम का नाम है सुकर विकास योजना, जिसमें सुअर पालने पर बिहार सरकार सब्सिडी देती है। शायद आप नाम सुनकर चौंक गए होंगे कि सुअर को पालने पर सरकार इतनी बड़ी छूट क्यों दे रही है, लेकिन यही सच है। बिहार सरकार एक खास मकसद से सुकर विकास योजना चला रही है और लोगों द्वारा सुकर पालन करने पर भारी सब्सिडी भी दे रही है। तो आइए बिहार सरकार की इस योजना के बारे में विस्तार से जानते हैं। बिहार सरकार के मत्स्य एवं पशुपालन विभाग के अंतर्गत सुकर विकास योजना चलाया जाता है। इसका फायदा SC ST के लोगों के साथ ही लॉकडाउन से प्रभावित मजदूर के परिवार को मिलेगा। इस योजना को चलाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बसे अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों को उन्नत नस्ल के सुअर पालन करने के लिए बढ़ावा दिया जाए और उनके लिए गांव में ही रोजगार के अवसर प्रदान किए जाए। योजना के तहत SC ST के प्रति लाभुक द्वारा 2 मादा सुअर प्लस 1 नर सुअर खरीदे जाने पर उन्हें 80% अनुदान दिया जाता है। सरकार के द्वारा 2 मादा सुअर प्लस 1 नर सुअर की कुल लागत इंश्योरेंस सहित 18,900 रुपए आकी गई है। यानी कि अगर कोई लाभुक योजना के अनुसार 2 मादा सुअर प्लस 1 नर सुअर खरीदता है तो उसे केवल 20% राशि यानी कि 3,780 रुपए खर्च होंगे। बाकी का 80% 15,120 रुपए सरकार सब्सिडी के रूप में देगी। हालांकि लाभुक को इन उन्नत नस्ल के 2 मादा सुअर प्लस 1 नर सुअर की खरीदारी बिहार पशु प्रजनन नीति 2011 के मुताबिक लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर, लैंडरेस, टेमवर्थ और TND नस्ल में से ही करनी होगी। अन्य नस्ल के सुअर पालन करने पर कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी। यह योजना जिला स्तर पर ही कार्यान्वित होती है। इनके रखरखाव और भोजन की व्यवस्था लाभुक को ही करनी होती है। योजना के तहत चयन प्रक्रिया पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर होती है। सरकार की तरफ से समय समय पर समाचार पत्रों में विज्ञापन निकाला जाता है, जिसके बाद इच्छुक लाभुक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन लिंक खुलने के 30 दिनों तक आवेदन को भर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए लाभुक को विभाग की वेबसाइट state.bihar.gov.in ahdcitizenhome.html पर जाना होगा। इसके बाद वहां आधार संख्या या वोटर आईडी कार्ड नंबर और मोबाइल नंबर के जरिए रजिस्ट्रेशन करें, फिर OTP दर्ज करके उसका वेरिफिकेशन कर ले। इसके बाद लॉगिन करने के बाद आवेदन फॉर्म खुलेगा, जिसे सही सही भर देना है। इसमें अंचलाधिकारी द्वारा SC ST का जाति प्रमाण पत्र को संलग्न करना बेहद अनिवार्य है। इसके साथ में सभी मांगे गए डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन अपलोड करके फाइनल सबमिट कर देना है। इन सब के बाद आवेदक को पावती रसीद मिलेगी, जिसे प्रिंट आउट करके रख लेना है। आपको बता दें कि एक व्यक्ति एक ही बार आवेदन कर सकते हैं। इन सब के बाद इन सभी आवेदन की प्रारंभिक जांच जिला स्तर पर पशुपालन विभाग के अधिकारी करेंगे, जिसके बाद लाभुकों का अंतिम चयन जिला पशुपालन पदाधिकारी की अध्यक्षता में एक चयन समिति के द्वारा किया जाएगा। इन सब के बाद 60 दिनों के अंदर लाभुक को निर्धारित सुअरों को खरीदना है, जिसके बाद ही जांच करने के बाद अनुदान मिलेंगे। सुकर पालन के बहुत लाभ है। इससे SC ST के लोगों को उनके गांव में ही कम बेहद कम लागत पर अपना रोजगार मिल जाता है। इससे सुकर पालकों की आय में वृद्धि होगी। साथ ही साथ राज्य सरकार इसके जरिए पशु जन्य प्रोटीन के साथ ही सुकर के मांस के उत्पादन को बढ़ावा देना चाहती है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।